अमरपाटन सिंधे ऐसा क्षेत्र में कोरोना से पहली मौत का दंश झेल रहे सतना के खाते में एक बड़ी उपलब्धि भी दर्ज हो गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में जीत का आगाज सतना में भी हो गया है। जिले के अमरपाटन क्षेत्र के गांवों में संक्रमित मिले जीजा और साले ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। हालांकि खुशी के इस मौके पर एक नया पॉजिटिव केस मिलने की निराशा करने वाली खबर भी आई है, लेकिन जीत के हौसले ने इस निराशा को कमजोर कर दिया है। सब सही थी, खाली एक चीज की तकलीफ वहाँ पड़ती थी, जो खाना लेट आया करता था। कभी 3:30 बजे जाता था, कभी 2 बजे जाता था, रात में भी 10 बजे जाता था। खाली एक ही चीज की तकलीफ पड़ रही थी, बस हो गया। और कोई चीज की तकलीफ भी नहीं है, और बाकी कोई तकलीफ खाना नहीं। कैसा मिला वहाँ पे? खाना बहुत बढ़िया मिलता था, बाकी और कोई तकलीफ नहीं थी वहाँ। क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बढ़िया था, जो भी था वहाँ का सब बढ़िया था। बस मोबाइल में बात करते पड़ा रहता था सर, वही और हो गया। ऐसे मोबाइल चलाते यही टाइम पास था। एक कमरे में थे तो कैसा लग रहा था एक कमरे में रखना? कोई महसूस नहीं होता, बस सब अच्छा था हमारा। खाने की तबीयत तो खराब नहीं हुई? नहीं, कोई कभी सर्दी ना जुकाम का ही कुछ नहीं हुआ। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी? हम यही संदेश देना चाहते हैं, यदि बीमारी आई है तो उसे डरना नहीं, लड़ना है। बढ़िया लग रहा है। क्या महसूस किया था आपने जब क्वारंटाइन सेंटर गए थे? कुछ नहीं महसूस किए थे। कोई तबीयत खराब हुई? कुछ नहीं। इतने दिनों में क्या किया आपने वहाँ पे? सर कुछ नहीं किए, वहाँ क्वारंटाइन में अंदर बंद थे और हो गए, अंदर रहते थे। तो एक कमरे में रहना कैसे आपको मुश्किल नहीं पड़ता था? कुछ नहीं है सर, पड़ा सर, बच्चा मेरा छोटा था, वही थोड़ा महसूस कर रहा था, और बालकनी से देख लेते थे बच्चे को और घर फैमिली सबको, पापा मम्मी सब चले गए थे। हाँ, ये हमारे जो पेशेंट थे हेतराम पटेल और रंजीत पटेल, ये एक हफ्ता पहले बीमार हुए थे, लेकिन हमारा जो अमला था स्वास्थ्य विभाग का सतना का, उसने बड़ा मेहनत किया इनके साथ, और जो है एक हफ्ते के अंदर ये पूरे ठीक होकर दुरुस्त होकर चले आए हैं, और ईश्वर से कामना करते हैं कि बाकी भी पेशेंट इतने जल्दी ही ठीक होकर आ जाए। कहना है कोरोना हो तो उससे डरना नहीं है, सब बताना है सबसे पहले, और अपना किसी भी तरह का सिग्नल हो तो उसको हम लोग को बताएं, प्रशासन को बताएं, और इसका इलाज है, इसलिए इलाज उपलब्ध होने के कारण जो है इससे जो है आप भी सेफ रहेंगे, आपका परिवार भी सेफ रहेगा, और अपना गाँव भी सेफ रहेगा।